हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर लेंटिन सूप। सो ऑल द प्रोसीजर आई विल शो यू इन दिस वीडियो। इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर लेंटिन सूप, नाउ यू विल नो। कम, पहली जो चीज है हमको मसूर की दाल लेनी है लेंटिन सूप के लिए, और मसूर की दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है 2-3 टाइम। और सेकंड थिंग, तो आप देख सकते हैं ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं जो हम लेंटिन सूप में यूज़ करने वाले हैं। इसमें टमाटो भी है, सेलरी है, लीक्स है, अनियन है, कैरेट है, तो ये वेजिटेबल हमें लेने हैं। और थर्ड इज गार्लिक, फोर्थ इज बटर, सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है जी। और जो एंड दिस एम्प्टी पॉट आई विल ऐड डायरेक्ट लिंटिन। इसमें डायरेक्ट सिर्फ दाल डाल देने का, आपको दाल को ऐड करके। एंड वी नीड टू ऐड ऑल्सो वेजिटेबल्स, ऑल द वेजिटेबल्स। सो यू डोंट नीड टू सॉते एनीथिंग, बस यू नीड टू जस्ट keep in the pot and you need to add stock water which is here. So अभी मैं इसमें stock water add करूँगा, vegetable stock का water, और इसको lintin को और vegetables को इसके साथ इसको boil करूँगा। So guys, I am going to add vegetable stock water in this pot. So guys, आप देख सकते हैं कि stock water मैंने काफी डाल दिया है, ऊपर तक डाल दिया है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करने के बाद सिंपली हमको फायर को ऑन करना है और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो गाइस, 30 से 35 मिनट तक दाल को पकाने के बाद, लेंटिन को पकाने के बाद कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं ये बॉयल होके एकदम पक गया है। एंड नाउ वी विल ब्लेंड दिस लेंटिन बाय ब्लेंडर। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मशीन। लेंटिन को मैंने ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करके कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम इसमें गार्लिक और कोरिएंडर का तड़का मारने वाले हैं, मीन्स गार्लिक को और कोरिएंडर को सौते करके इसमें ऐड करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि मैंने बटर डाला है पैन में और इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। थोड़ा अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम कोरिएंडर ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि गार्लिक और फ्राई हो गया है, ऑलमोस्ट गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर आपके लेंटिन सूप को एक डिफरेंट फ्लेवर देगा और डिलीशियस बना देगा। चलो गाइस, ये हो गया, अब हम इसमें इसको ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद तो गाइस, गार्लिक और कोरिएंडर पाउडर का तड़का मारने के बाद अब हम इस लेंटिन सूप को स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस, आवर सूप इज डन। वी विल ऐड सम क्रोटन्स इन द लेंटिन। Fantastic, very nice taste. If you really like this recipe,
please comment below and please hit the like button and subscribe my YouTube channel. I will bring for you guys more recipes, more food, and thank you very much for watching me. This could be good for me. Lately I was feeling